मोदी मंत्रिमंडल 2024 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज के वीडियो में सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहला सवाल देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ए नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग के मंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है ए अमित शाह। भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा बी निर्मला सीतारमण। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी किरेन रिजिजू। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री किरेन रिजिजू हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला सवाल। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है ए गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला सवाल। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ए मनसुख मंडाविया। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के रेल मंत्री संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी अश्विनी वैष्णव। भारत के रेल मंत्री संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा डी नितिन जयराम गडकरी। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा डी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा सी अर्जुन मुंडा। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा सी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले और खेल मंत्री, इसका सही आंसर होगा ए अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले और खेल मंत्री हैं।
आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी स्मृति जुबिन ईरानी। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है डी नारायण तातुराने। नारायण तातुराने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा डी सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ए हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के जनजाति मामलों के मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा सी गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा सी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ए महेंद्र नाथ पांडे भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। ये अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा सी प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी भारत के संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ए पुरुषोत्तम रूपाला भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा डी जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा सी वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बनी हैं? इसका सही आंसर होगा डी स्मृति जुबिन ईरानी भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनी है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है डी पशुपति कुमार पारस भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया।
द्वितीय एम सिंधिया भारत के नए इस्पात मंत्री बने हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।